नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का सलुम्बर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सलुम्बर में अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक युवक गिरफ्तार। सलुम्बर बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां। डूंगरपुर जिले के रिछा गांव के बेनेश्वर धाम की पवित्र मिट्टी के लाल राइया मीना को दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। सलुम्बर के जलारा थाने के द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव प्रचार द्वारा समस्त थाना अधिकारी को अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए, जिस पर थानाधिकारी मनीष चारण जलारा के द्वारा एक विशेष टीम गठित कर थाने से रवाना किया गया। सूचना के आधार पर गोमती नदी बड़ावली थाना सेमारी से अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली थाना जलारा की तरफ से आने वाला है, जिस पर टीम के बहादुर लाल, प्रवीण सिंह, गणेशाराम, हीरा लाल टीम के द्वारा नाकाबंदी के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर जब्त किया। पूछताछ में कागजात नहीं बताया। ट्रैक्टर चालक गौतम पिता नाथू पटेल उम्र 50 निवासी टांडा बडावली थाना सेमारी को गिरफ्तार किया है और खनन विभाग को सूचित किया गया। सलुम्बर में लॉकडाउन के तहत एक तरफ सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए कहा जा रहा है, तो वहीं सलुम्बर के सभी बैंकों में बैंकों के बाहर की भीड़ देखने को मिल रही है। एक और सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए कहा जाता है, तो दूसरी तरफ लोग बैंकों के बाहर इस तरह से भीड़ लगा रहे हैं। सलुम्बर में काफी समय के बाद कोरोना के आंकड़े अब कम होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस तरह अगर बैंकों के बाहर भीड़ रही तो फिर सलुम्बर में कोरोना के आंकड़े कब बढ़ने लगेंगे कह नहीं सकते। पूर्व सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं पूर्व जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार पूर्व विधायक राइया मीना के निवास रीछा खराड़ी फैला पर सरकार की गाइडलाइन का प्रोटोकॉल की पालना करते हुए श्रद्धांजलि और शोक संतप्त परिवार की हौसला देने सोमवार को पहुंचे। पूर्व डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद और पूर्व जिला प्रमुख दोनों ने कहा कि बेनेश्वर की पवित्र भूमि पर पैदा हुए राइया मीना जीवन पर्यंत आदिवासी समाज और सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले एवं पार्टी कार्यकर्ताओं समेत आमजन की निस्वार्थ सेवा करते रहे। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय राइया मीना अशोक गहलोत, सोनिया गांधी और राहुल प्रियंका तक के बहुत प्रिय नेता थे। भगोरा ने कहा कि अब वक्त है कि राइया मीना के चले जाने से हुए रिक्त की भरपाई कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मिलकर करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है और मीना के निधन से हमारे क्षेत्र का व पार्टी ने इनकी कमी की भरपाई करना हमारे लिए मुश्किल घड़ी है। विधानसभा क्षेत्र में विकास की कभी भी कमी नहीं होने दी। डूंगरपुर के सभी वर्गों के लिए आवाज बुलंद करके टीएसपी का लाभ दिलाने का कार्य किया। इस अवसर पर 84 प्रत्याशी मंजुला बहन, संभागीय अध्यक्ष मनोज लबाना, ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश पाटीदार, रूपशंकर त्रिवेदी, वालजी पाटीदार, लीलवासा कपिल भट्ट, नारायण रूत, ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल, रूपचंद भगोरा, लक्ष्मण कोटेड, हेमेंद्र सिंह, टोकवासा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आसपुर, प्रवीण कोठारी, मणिलाल जोशी, दिग्पाल सिंह चौहान, गोपाल सिंह, देवेंद्र सिंह, दुर्जन सिंह, शिव सिंह, सोमालाल सहित क्षेत्र के सरपंच, पदाधिकारी एवं गणमान्य मौजूद रहे। सलुम्बर चिकित्सा विभाग के द्वारा आज सलुम्बर हाई सेकेंडरी विद्यालय में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए, जिसमें आज ई मित्र व 18 से ऊपर के सभी युवा बड़ी उत्साह के साथ में कोरोना वैक्सीन लगाने पहुंचे। एक लंबी कतार के साथ खड़े हुए युवा साथी सभी को अपना टीका लगाने का इंतजार और सभी युवा साथियों ने यह संदेश भी दिया कि अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन का टीका जरूर लगाएं। हमें किसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, सभी को टीका लगाना अनिवार्य है। इस प्रकार सभी युवा साथियों में उत्साह देखने को मिला। चिकित्सा विभाग की टीम में देवेंद्रपुरी गोस्वामी, वहीं नर्स गीता यादव, सूरज मीना, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप पटेल, मुकेश कलाल, इन सभी के सहयोग द्वारा हायर सेकेंडरी विद्यालय में कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। सलुम्बर कोविड 19 को लेकर सलुम्बर के आसपास क्षेत्र गांव डाल सेरिया कोरोना से प्रभावित उन सभी गांवों में जिला रसद विभाग अधिकारी, सलुम्बर उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरगर, तहसीलदार नारायण लाल जिनगर, नायब तहसीलदार श्यामचरण सिंह, विकास अधिकारी अनिल पहाड़िया, डॉक्टर गजानंद गुप्ता ने आकस्मिक निरीक्षण किया। कोविड 19 को लेकर जो गांव प्रभावित थे उन सभी गांवों में जाकर रसद विभाग के अधिकारी द्वारा कोविड संबंधी जानकारी जुटाई। जो लोग कोविड पेशेंट थे उन सभी के यहां जाकर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जुटाई। दवाई के बारे में भी पूछा गया कि समय पर आपको दवा मिल गई या नहीं। साथ ही गर्भवती महिलाओं से भी जानकारी जुटाई गई। कोविड सेंटर का निरीक्षण किया गया, जहां पर कोविड सेंटर की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। सलुम्बर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।